नमस्कार, आरपीएस ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं हूँ संध्या। आइए नजर डालते हैं आज के राशिफल और पंचांग पर। जानते हैं आज का राशिफल व पंचांग। मैं हूँ संध्या आपके साथ। सबसे पहले जानते हैं आज के पंचांग के बारे में। वार सोमवार 15 अप्रैल 2024, विक्रम संवत 2081 क्रोधी, शक संवत 1946 पेंगल। सूर्यदेव प्रातः 5:55 पर होगा, सूर्यास्त शाम 6:47 पर होगा। चैत्र कृष्ण पक्ष तिथि सप्तमी दिन के 12:11 पर, तत्पश्चात अष्टमी नक्षत्र पुनर्वसु रात 3:05 तक, तत्पश्चात पुष्य योग सुकर्मा रात 11:09 तक, तत्पश्चात ग्रति। सूर्य मेष राशि में विराजमान रहेंगे, चंद्र कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। बात करें शुभ समय की तो अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:56 से तो दिन के 12:47 तक। इस समय कोई भी शुभ कार्य आप प्रारंभ करेंगे वो नर्विघ्न संपन्न होगा। बात करें अशुभ समय की तो राहु काल दिन के 7:32 से तो दिन के 9:08 तक। इस समय कोई भी शुभ कार्य आप प्रारंभ करेंगे तो आपके कार्यों में दिक्कतें और कठिनाइयां आ सकती है। हो सकता है आपका कार्य सफल न हो, इसलिए इस समय को टाले, शुभ समय का इंतजार करें। दिशा शूल पूर्व ज्योतिषी परामर्श के लिए संपर्क करें रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी से। मोबाइल नंबर 9453555111 पर रात्रि 10 से 12 तक निःशुल्क। आइए जानते हैं आज का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज कुछ खरीदने का मन बना रहे हो तो अवश्य खरीदे, लाभ मिलेगा। पश्चिम और दक्षिण दिशा की यात्रा टालने की कोशिश करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है या फिर चोट लग सकती है। जानते हैं वृषभ राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें, पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में रुचि रखें बेहतर होगा। जानते हैं मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज पशुओं से पूरी तरह सावधानी बनाए रखें, चोट चपेट की आशंका बनी हुई है। शिवजी की पूजा आराधना करने के बाद घर से बाहर निकले दिन उत्तम रहेगा। जानते हैं कर्क राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज अपने भेदों को गुप्त रखें, शत्रु आपके पीछे लगे हुए हैं, किसी तरह का नुकसान कर सकते हैं। अपने छोटे बच्चों का पूरी तरह से ख्याल रखें, चोट लगने की संभावना है। जानते हैं सिंह राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज कुछ खरीदने का मन बना रहे हो तो दोपहर के बाद खरीदें, पत्नी या बच्चों के ऊपर आपका पैसा खर्च हो सकता है। जानते हैं कन्या राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज दुपहिया वाहन पूर्ण सावधानी से प्रयोग करें, लापरवाही बिल्कुल न करें, किसी तरह का नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। जानते हैं तुला राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। काफी दिनों से सोचे हुए कार्यों में सफलता मिलने के पूर्ण योग दिख रहे हैं। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को अपने अधिकारी से सहानुभूति प्राप्त होगी। बिजनेस करने वाले व्यक्तियों को अपने सहयोगी का सहयोग प्राप्त होगा। अपने कार्य में स्वयं ध्यान देने की आवश्यकता समझे। जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आपके सभी कार्य सफलता पूर्वक सम्पन्न होंगे, गृहस्थ जीवन में आनंद और संतोष अनुभव होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, समाज में मान सम्मान मिलेगा, उच्च पदाधिकारियों और बुजुर्गों की कृपा दृष्टि आप पर रहेंगी। जानते हैं धनु राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज भाग्य साथ ना देता हुआ प्रतीत होगा। कार्य क्षेत्र में उच्च पदाधिकारियों के क्रोध का शिकार बनना पड़ सकता है। प्रतिस्पर्धियों के साथ वाद विवाद टाले, जोखिम भरे कार्यों से थोड़ा दूर रहे। जानते हैं मकर राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज खर्च अधिक होने के योग दिख रहे हैं। मित्रों और स्वजनों के साथ आनंद उल्लास प्राप्त होगा। सुंदर वस्त्र आभूषण और भोजन का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। दोपहर के बाद स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। जानते हैं कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आय में वृद्धि होने के योग दिख रहे हैं। आपका मान सम्मान बढ़ेगा और धन लाभ होने के संकेत है। प्रत्येक कार्य सरलता पूर्वक संपन्न होगा। कार्यालय में ऊपरी अधिकारी आपके कार्य से संतोष रहेगा और पदोन्नति के योग बन रहे। जानते हैं अंतिम राशि मीन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज स्वास्थ्य को संभालने के साथ ही वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें। मनोरंजन के पीछे धन खर्च होगा। सामाजिक रूप से ख्याति प्राप्त होने से आज व्यावसायिक आर्थिक तथा सामाजिक रूप से लाभदायी दिन माना जाएगा। ज्योतिष परामर्श के लिए रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी से संपर्क करें 9453555111। इस पर प्रत्येक दिन रात्रि 10 से 11 तक वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।